आशा, वेलकम टू कुक विद आशा। आज मैं बनाने जा रही हूँ साउथ इंडियन रेसिपी सांभर इडली। ये बहुत ही इजी वे से घर में ही बन जाती है, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं दो तरह की इडली आपको बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए हमने ये सभी वेजिज ली हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने लिया है दो तीन, मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने बीन हरी वाली बीन्स ली हैं। ड्रम स्टिक भी ले सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। स्मॉल पीस घिया और मैंने लिए हैं तीन टमाटर, दो प्याज और इमली या लेमन में से आप एक चीज़ ले सकते हैं। इमली का पानी हमें चाहिए, आप उसकी जगह लेमन भी ले सकते हैं, लेमन जूस भी ले सकते हैं। और तीन से चार मैंने ली हैं हरी मिर्च। तो सारी वेजेस को हम अच्छे से कट कर लेंगे और फिर हम अपने आगे के प्रोसेस में चलते हैं। जब तक हम अपने वेजेस को कट करते हैं, तब तक हमने ये एक बाउल तुअर दाल ली है, अरहर की दाल। इसको हम तब तक हम इसको भिगोने रख देंगे। तो ये मैंने एक बाउल पानी में सारी अरहर की दाल भिगोने रख दी है, यह फूल जाए तब तक हम अपनी वेजेस को कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अपनी सारी वेजेस काट ली हैं, कट करके रख दी हैं। ये देखिए हमने अपने सारी वेजेस को कट कर लिया है और प्याज और टमाटर को हम तड़के के टाइम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सारी वेजेस को एक कुकर में बॉईल करने रखते हैं और बैंगन को आप ज़्यादा देर पहले कट ना करें, ये तुरंत ही काला पड़ जाए। कुकर ले रहे हैं, इसको हम गैस पर रखते हैं, गैस का फ्लेम ऑन किया और सबसे पहले हम इसमें दो गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हम बाद में भी पानी को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का सांभर चाहिए, पतला या मोटा, तो आप इसे उस हिसाब से पानी बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी ये दाल जो मैंने अच्छे से वॉश कर दी है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें इसी दाल में हम वेजेज ऐड कर, इससे हमारी एक सांभर की जो रेसिपी है वो जल्दी से क्विक बन जाएगी। हम इसको बड़ी इजी से, बड़ी आसानी से बॉईल करके जल्दी ही बना सकते हैं। तो ये मैं सारी वेजीज ऐड कर रही हूँ। वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो भी वेजीज पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने सारी वेजीज डाल दी हैं। अब मैं डालूँगी इसमें नमक और थोड़ा सा हल्दी। मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी पाउडर और मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। अब हम इसमें लीड लगा देंगे और इस पर तीन सीटी आने देंगे। तब तक हम अपना इडली का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे सूजी और दही। सूजी को हम पहले थोड़ा छान लेंगे। ये देखिए मैंने सूजी को छान लिया है। सूजी को छान जरूर लें क्योंकि उसमें तो बहुत बार कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं। सेम उसी बाउल से एक बाउल मैंने दही लिया है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे। एक बाउल मैंने सूजी ऐड करी और ये दही, ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको मिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास घर की बनी दही है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो अगर आपके पास छाछ है तो आप उससे भी इस बैटर को बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। मैं अपनी बची हुई दही भी ऐड कर दूंगी और इस तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। ये बैटर हमें ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा हमें गाढ़ा करना है, तो ये हमने बैटर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक। ये देखिए आधी छोटे चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मैंने इसको कवर कर दिया है, अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी कवर करके 10 मिनट के लिए। और इनो हम इसमें तभी ऐड करेंगे जब हम इंस्टेंट इडलियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे, तभी हम इसमें। ये देखिए हमारे तीन सीटियाँ आ गई हैं। ये देखिए हमारा सांभर कितने अच्छे से गल गया है, दाल और वेजीज अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम चलते हैं इसको तड़का लगाते हैं। तो इसको हम एक साइड में रखते हैं और अब हम रखते हैं एक कढ़ाई और गैस का फ्लेम हमने ऑन किया और हम डालेंगे तीन चम्मच
मीडियम साइज स्पून। मैं ऑयल ले रही हूँ, ये मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। आप इसे अच्छे से गर्म होने कर देंगे और अब हम लेंगे आधी चम्मच सरसों मस्टर्ड सीड और इसको चटकने देंगे। आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया, इसे भी हम इसमें चटकने देंगे। ये इसमें चॉप्ड किया हुआ अपना प्याज, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ग्रीन चिली को अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये मैंने ग्रीन चिली भी डाला, ब्राउन होने दूंगी तेल में, तो प्याज हमारा थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, तब हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मैंने डंडी पूरी कड़ी पत्ते की ली है, तो ये पूरी डंडी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कड़ी पत्ता भी इसमें फ्राई होने देंगे। हींग, टू पिंच हींग मैंने लगा है, हमें ज़्यादा गोल्डन प्याज नहीं करना है, मुझे सामने में थोड़ी कच्ची प्याज अच्छी लगती है, आप चाहे तो उसे गोल्डन भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपने फाइन चॉप्ड किए हुए टमाटो। अब हम इसमें अपने मसाले डाल लेंगे, ये मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। और अब मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी और मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच। और अब मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, तो ये मैं दो चम्मच, दो बड़े चम्मच सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को अच्छे से। और आधी छोटी चम्मच में डाल दूँ धनिया पाउडर। ये हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। मसाला हमारे अच्छे से पक गया है और टमाटो भी हमारे अच्छे से गल गए। तो हमने बॉईल किया था दाल के साथ, जो वेजेस हमने बॉईल करी थी, हम इसमें से वेजेस निकाल के इसको भी मसाले के साथ, उसे निकाल कर मसाले के साथ भुनना है। ऐसा करने से सांभर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वेजेस बॉईल होने के बाद ऊपर ही आ गई है, तो जितनी हमारी आ सकती है। और फिर से एक मिनट के लिए हम लीड लगा देंगे। ऐसा करने से सांभर टेस्टी बनता है। वेजेस में भी अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है, हम इसे मिक्स कर देंगे और अपना सारा जो हमने बॉईल की थी दाल, जो दाल हमने सारी बॉईल की थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा सांभर कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी, मैं पानी में बॉईल कर लिया था, अब इसको छान के इसका पानी हम ले लेंगे। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इमली के पानी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास इमली नहीं ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारा सांभर कितना अच्छा बना है, ना ये ज़्यादा थिक है ना ये ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट करी इसमें बनी है सांभर की। अब मैं इसे दो मिनट के लिए और पकने दूंगी कवर करके। सांभर हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा सांभर का टेस्ट बढ़ जाता है। सांभर में छोटा टुकड़ा गुड़ का ऐड करेंगे। बनकर रेडी है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम अपनी इडली बनाते हैं, ऑफ कर दिया है और अब इसको कवर करके हम एक साइड रख देंगे। अब हम अपनी इडलियाँ बनाते हैं। गैस का फ्लेम ऑन किया और इस पर फिर से मैंने वही कुकर वॉश करके रख दिया है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी मैंने एक इडली स्टैंड लिया है और इसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है इडली बनाना। देखिए बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा इनो ऐड करेंगे। इनो डालने से हमारी जो इडलियाँ हैं बहुत फूली फूली और बहुत ही फ्लफी बनेंगी।
आप इसके बगैर भी इडलियाँ बना सकते हैं, इसके बगैर भी इडली अच्छी बनती है। तीनों मिलाते ही हमें बैटर को रखना नहीं है, तुरंत ही अपने इडली स्टैंड पे डालना है। हमें ज़्यादा फुल नहीं करना है क्योंकि इडलियाँ थोड़ी फूलती भी हैं, तो मैंने एक एक चम्मच इडली का बैटर डाला। इसी तरह से हम सारे स्टैंड पे इडलियाँ अपने, और अब हम इस तरह से सारी इडलियों को एक स्टैंड में लगा के इसको लॉक कर देंगे। और ये जो हमने कुकर में पानी लिया था ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी इडली का स्टैंड डालेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। ये कुकर का ढक्कन हम लगाएंगे लेकिन इसकी लीड हम निकाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम स्टीम में कुक होने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इनको मैं थोड़ा ठंडा होने, कुकर का ढक्कन ओपन कर दिया है और अब मैं अपनी इडलियाँ बाहर निकालूंगी। बहुत ही केयरफुल होके इडलियाँ बाहर निकालना क्योंकि बहुत तेज़ स्टीम आती है, तो मैं ये कपड़े की हेल्प से अपना इडली का स्टैंड बाहर निकालती हूँ। ये देखिए मैं इसका लॉक खोल रही हूँ और सारी इडलियाँ ओपन कर रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से, या मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो ऐसे फिंगर की हेल्प से मैं थोड़ा ऑयल लगा लूँगी, इससे हमारी इडलियाँ और भी शाइनी लगेंगी और निकलने में भी बहुत ईजी होंगी। इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमारे इडली स्टैंड बहुत गर्म है। देखिए चम्मच की हेल्प से हम बड़ी आसानी से इडलियों को निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया और मज़ेदार हमारी इडली बनके तैयार हुई है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारी इडलियाँ निकाल ली हैं। कितनी बढ़िया मज़ेदार हमारी इडली बनके तैयार हुई है, तोड़ के कंसिस्टेंट से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी एकदम मज़ेदार इडली बनकर तैयार हुई है। अरे इडलियाँ बनकर तैयार हुई है, अब हम इसको प्लेट करते हैं सांभर के साथ। ये रेडीमेड रवा इडली का बैटर भी है, मैं इसकी भी आपको इडलियाँ बना के दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें मस्टर्ड सीड, चना दाल वगैरह सब ऐड है। और अब मैंने सेम उसी तरह से इसमें भी दही ऐड करनी है। ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया और इसमें ये दही ऐड करी और मिला लेंगे इसे अच्छे से। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेडीमेड रवा इडली का बैटर है, इसमें नमक ऑलरेडी होता है तो मैं फिर भी थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये बैटर भी हम अपने स्टैंड पर डाल देंगे। ये देखिए इसमें हमने कोई इनो वगैरह नहीं ऐड किया है, ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनेंगी। अब इस पर भी हम लीड लगा लेंगे। और ये कुकर हमने रखा है जिसमें पहले से ही पानी थोड़ा गुनगुना है, हमने फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अपना ये इडली का स्टैंड पूरा इसके ऊपर डालेंगे और फिर से इसको 5 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के स्टीम में पकने देंगे। अपने एक सांभर में लास्ट तड़का और लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे सांभर में और भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने फिर से थोड़ा सा एक चम्मच सरसों का तेल डाला, गरम होने देंगे, फ्लेम कम कर दिया और अब ये सरसों चटकने देंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 लाल मिर्च, थोड़ी से कड़ी पत्ता और अब हम इसको अपने
सांभर में ऐड करेंगे। ये देखिए इडली और सांभर की रेसिपी हमारी बनकर रेडी है। सांभर हमारा कितना अच्छा टेस्टी यम्मी सांभर हमारा बना है। अब इसको हम एक बाउल में निकालते हैं और इसको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी इडली और सांभर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारी ये इडली भी बन गई है, इसको भी हम अच्छे से निकालेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। ये देखिए हमारी एकदम टेस्टी इडली, फूली फूली इडलियाँ। और इसको हम सांभर सांभर के साथ इस तरह से चटनियों के साथ, मैंने अपनी दोनों चटनियों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसको आप बड़ी आसानी के साथ देखकर बना सकते हैं। और ये हमारी नारियल मूंगफली की चटनी और ये हमारी नारियल की चटनी, और इस तरह से हम सांभर में डिप करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये भी देखिए कितनी स्पॉन्जी और टेस्टी बनी है, घर पर ही बनाई है घर के बैटर से। और ये वाली इडली हमारे मार्केट के बैटर से बनी हुई है, तो आप इनको बड़ी आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी इडली सांभर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।